नमस्कार, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं आपके साथ प्रिया सिंह। आज के मुख्य देखिए, ये सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में रहने वाले जुबेर साहब, जुबेर खान साहब थे। इनके यहाँ एक मेड काम करती थी, वो काफी दिन से वहाँ काम कर रही थी। बीच में कोरोना काल में संभवतः हट गई थी, पुनः अभी लगभग 2 साल से वहाँ काम कर रही थी। इसने ग्रेजुअली वहाँ से जो घर में ऑर्नामेंट्स थे उसकी ये लगातार चोरी कर रही थी, और चोरी करने के बाद ये अपने हस्बैंड के साथ मिलकर इसने एक व्यक्ति जो रस्तोगी है, विनीत रस्तोगी, उसके दुकान में, उसके शॉप में जाकर ये चोरी किए हुए माल बेच रहे थे। इसमें हम लोगों को सूचना मिली, उसके बाद हम लोगों ने इसमें अभियोग पंजीकृत किया, और अभियोग पंजीकृत करके इसमें हम लोगों ने जो महिला थी, जो नौकरानी थी घर में, उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है, उसके हस्बैंड को भी अरेस्ट किया है। और जहाँ पे, जिस शॉप पे ये माल बेच रही थी, जिनके द्वारा खरीदा जा रहा था, उसको भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। और उसमें हम लोगों ने 158 ग्राम गोल्ड और 115 ग्राम सिल्वर और 5,12,000 रुपये हम लोगों ने इन लोगों की पोजीशन से रिकवर किया है, और इनको अभी हम जेल भेज रहे हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी इनका इतिहास नहीं पता चला है, लेकिन हम इसकी छानबीन कर रहे हैं। सर, खरीदने वाला दुकानदार मुरादाबाद, ये सब तीनों ही मुरादाबाद के रहने वाले हैं। ये जो दोनों जो घरेलू सहायिका थी, जो नौकरानी थी, वो ये रेलवे कॉलोनी में रहते थे, और जो विनीत है, विनीत रस्तोगी, ये कड़गर क्षेत्र में रहता था। थैंक यू। कहाँ से पाया गया इनको? जो रेल चौकी क्षेत्र है, वहीं से इनको अरेस्ट किया गया। किस चीज़ का है जी? किस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है?